नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। ग्वालियर शहर की जनकगंज पुलिस ने एक कलयुगी के बेटे के खिलाफ अपनी ही मां के साथ मारपीट करने और उसे घर से बेदखल करने की कोशिश का मामला दर्ज किया है। खास बात यह है कि मुन्नी देवी अग्रवाल अपने बेटे श्याम अग्रवाल के साथ हनुमान चौराहे के पास स्कूल वाली गली में रहती है। उसका छोटा बेटा संजय अग्रवाल अपनी पत्नी प्रियंका अग्रवाल के साथ गोल पहाड़िया के जनकपुरी इलाके में अपने खुद के मकान में रहता है। उसकी मां हनुमान चौराहे के पास दो बेहद छोटे कमरों में गुजारा कर रही थी। मंगलवार दोपहर को उसका बेटा संजय अग्रवाल और पत्नी प्रियंका अग्रवाल आए। उन्होंने मुन्नी देवी के आधिपत्य में रह रहे एक कमरे में ताला डाल दिया और उसे गैलरी में रहने के लिए मजबूर कर दिया। मुन्नी देवी अग्रवाल अपने पोते के साथ छोटे से कमरे में रहने को मजबूर है। बेटा संजय अग्रवाल अपनी मां को इन दिनों कमरों से भी बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और बेटे संजय अग्रवाल एवं उसकी पत्नी के खिलाफ मारपीट, जबरन कब्जा करने का प्रयास का मामला दर्ज किया है। फिलहाल यह कलयुगी बेटा फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। हाँ, एक बुजुर्ग दादी हैं, 75 वर्ष की हैं। उनका जो लड़का है, मझला लड़का, वो उनको अच्छी देखरेख नहीं करता था और परेशान करता था, जिसके कारण से तंग आकर उन्होंने आज हमारे पास शिकायत की और हमने लड़के को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका वार्तालाप ठीक नहीं रहा और दादी द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कर रहे हैं। किस तरह का दावा करता था? हाँ, जो उनका लड़का है वो उनको खाने के लिए भी वस्तुएं नहीं देता था और उसका एक कमरा था उसमें भी उसने ताला डाल दिया था, तो वो बड़े ही गरीब स्थिति में अपना गुजारा कर रहे थे और गैलरी में रह के और उसी ज़मीन में सो के अपना भरण पोषण और जीवन गुजार रहे थे, जो कि अत्यंत पीड़ादायक था। और उनकी समस्या को सुनने के बाद हमने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।